नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये परत एकदा स्वागत आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 9वी याचे जी याचा जो हिंदी विषय आहे, तर त्या हिंदी विषयाची आपण प्रश्नपत्रिका तयार केलेली आहे 79 गुणांची. येणाऱ्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला याचा नक्की उपयोग होईल, त्यामुळे ही प्रश्नपत्रिका पूर्ण बघा, प्रथम सत्र परीक्षा किंवा सहामाही परीक्षेसाठी. तर पूर्ण बघा जेणेकरून तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेतले प्रश्न साधारणपणे कसे असतील त्याचा एक अंदाज येईल आणि त्याच्या प्रत्येक घटकाची तयारी चांगली व्हायला मदत होईल. पहिला विभाग आहे विभाग 1 गद्य विभाग, कुल अंक 20. प्रश्न 1 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए. आता बघा, इथे हा जो तुमच्या पुस्तकातला गद्यांश उतारा आहे तो दिलेला आहे आणि तो वाचून तुम्ही त्याचा आधी स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि मग त्याच्यावरचे सगळे प्रश्न काय करा सोडवा. त्याच्यामध्ये बघा, पहिला संजाल पूर्ण कीजिए, गद्यांश में आया संसार. कौन सा संसार गद्यांश में आया है? आकृति पूर्ण कीजिए, निर्दय संसार से लड़ने के हथियार. संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वो, उनके नाम लिखिए और लड़ने के हथियार कौन से है वो भी लिखिए. उसके बाद नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए. ये दो चिन्ह दिए हैं, उनके नाम लिखिए. निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए. पर जीवन में डायरी का महत्व, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है. जीवन में डायरी का महत्व क्या है? उसके बाद निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए. आता हा दुसरा उतारा आहे, तो ही व्यवस्थित वाचा आणि त्यावरच्या प्रश्नांची उत्तर द्या. आकृती पूर्ण कीजिए, महाराज की याद में बना स्मारक. कौन से दो स्मारक महाराज की याद में बनाए हैं? जोधपुर के स्थलों में दिखने वाली कलाएं, कौन सी दो कलाएं है वो लिखिए. निम्नलिखित विधानों को सत्य असत्य पहचान कर लिखिए. सत्य है या असत्य ये लिखना है. दवाओं की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह बने हैं. और दूसरा है जसवंत ठंडा स्मारक, 1930 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था. तो इसमें से सत्य असत्य आपको लिखना है. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए. किले, दरिया, पहाड़, मंदिर. वचन आपको बदलना है. पहाड़ियों पर बने किलों के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए. अब देखिए, अपठित परिच्छेद यानी कि ये पाठ्य पुस्तक के बाहर वाला परिच्छेद है, पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचा आहे, तो वाचा आणि त्या खालील प्रश्नांची उत्तर द्या. आता बघा, पुस्तकों से मिलने वाली जानकारी, पुस्तकों से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, वो चार जानकारियां आपको यहाँ पे लिखनी है. उसके बाद पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं. उसके बाद पद्य विभाग, उसके लिए कुल 12 अंक है. तो निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको क्या करना है, कृतियां करनी है. हर हार एक विराम से लहाकर वरदान मांगूंगा नहीं. तो उसमें देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए, सुखद स्मृति इनके लिए है. किसके लिए सुखद स्मृति है, तो वो कविता पढ़िए और उस पे आधारित ये प्रश्न है. कभी भयभीत नहीं है, किसके लिए भयभीत नहीं है ये आपको लिखना है. पद्यांश के आधार पर दो प्रश्न ऐसे बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो. इस पे महासंग्राम, हृदय की वेदना, ये दो उत्तर होने चाहिए. ऐसे दो प्रश्न बनाइए.
उपर्युक्त प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। क्या अर्थ है उन पंक्तियों का? निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको कृतियां करनी है। ये जो पद्यांश दिया है आपको, ये पहले पढ़ना है और उसके आधार पर पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके आधार पर निर्माणों के पावन युग में हमें इसे नहीं, इसे न भूले, किसे मत भूलना। समुद्र को, समुद्र की दी गई विशेषताएं, 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द, पवित्र, पृथ्वी, इनके आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो, सिंधु, और उसके बाद मतजार, मजधार, सॉरी मजधार, इनका अर्थ लिखना है। सॉरी, ऐसे शब्द लिखने हैं जिनका अर्थ सिंधु और मजधार है। उपर्युक्त पद्यांश की 5-6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। अब उसके बाद विभाग 3 पूरक पठन, जिसके लिए कुल 8 अंक होंगे। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये पद्यांश आप पढ़ सकते हैं और उस पर आधारित पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से पढ़िए। अब उसके बाद जोड़ियां मिलाइए, जिसकी सुंदरता का वर्णन कवियों ने किया है वो कौन है? इसमें से सही उत्तर चुनिए। जो आंखों की शोभा बढ़ाता है, एक पल में हृदय की प्यास बुझाता है, जिसे छाती से लगाने को जी करता है। पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। उसके बाद पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए परिच्छेद में आए मौसम, ये जो परिच्छेद दिया है आपको, इसमें कौन से मौसमों का वर्णन है ये लिखिए। रात भर चौकीदार के 2 काम कौन से है वो लिखने हैं। उसके बाद रात के चौकीदार के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। उसके बाद भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण विभाग, जिसके लिए कुल 14 अंक होंगे। अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। आज वातावरण में अधिक गर्मी है, तो ये जो अधिक है इसका भेद पहचानिए, प्रकार पहचान। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। के साथ लेकिन, इन अवयवों का अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना है। कृति पूर्ण कीजिए संधि, संधि विच्छेद, संधि भेद। तो संधि के आपको क्या करने हैं, यहाँ पे प्रकार लिखने हैं। निसंदेह, निसंदेह, और इसका संधि भेद। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विच्छेद कीजिए और उसका भेद यानी कि प्रकार कौन सा है वो पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो इसमें से सहायक क्रिया इन दोनों वाक्यों में से लिखनी है और उसका मूल क्रिया रूप लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया या प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। किसी एक का प्रथम तथा द्वितीय क्या करना है आपको, प्रेरणार्थक रूप लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुजारा होना, गंगा नहाना। अधोरेखित वाक्यांश में या फिर उसके लिए एक अथवा और प्रश्न है। रेखांकित वाक्य में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। कतार लगाना, ताता लग जाना, सावन के महीनों में मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतार लगती थी, लाइन से आप क्या लिख सकते हैं, कतार। तो इस तरह से चुनना है आपको। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर
प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक को पहचान कर उसके भेद लिखे। तो देखिए इसमें पुल से कार गिरी, तो पुल से उसका भेद पहचान कर लिखाना है, लिखना है। महावत हाथी को लिखता है कारक चिन्ह और कारक का भेद। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो इस वाक्य में आपको सही तरह से विराम चिन्ह लिखने हैं और फिर उसका प्रयोग करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों का सूचना के अनुसार आपको क्या करना है, काल परिवर्तन इसमें करना है। ये पहला वाक्य, इसे आपको साधारण भविष्य काल में लिखना है। उसके बाद साधारण भूतकाल में दूसरा वाक्य कीजिए और अपूर्ण वर्तमान काल में इसे कीजिए। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। ये दो वाक्य हैं, अनेक सभ्यताएं संस्कृतियां मुझे मुझ में घुल मिल जाती है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ पर आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसे निषेधार्थक बनाना है। तुम सब सबसे मिलो, इसे निषेधार्थक, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है? तो ये आपको वहां पे लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्य को शुद्ध करके वाक्य क्या करना है, आपको फिर से लिखना है। तो इसे शुद्ध करना है और इन वाक्यों को फिर से लिखना है। रचना विभाग या फिर उपयोजित लेखन, जिसके लिए कुल 26 अंक है। तो ये जो विषय दिया है पत्र लेखन, ये नाम और एड्रेस है। तो इस पर एक पत्र लिखिए, दिवाली की छुट्टियों अपने साथ बिताने का निमंत्रण देने वाला पत्र, या फिर शहर में दूषित जल आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। अब देखिए आगे गद्य आकलन प्रश्न निर्मित है। तो आपको ये गद्य पढ़ना है और इसके आधार पर ऐसे चार प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर एक एक वाक्य में हो। देखिए अगला वृत्तांत लेखन। तो वृत्तांत लेखन इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का, इस जानकारी के आधार पर आपको क्या करना है, लिखना है। या फिर कहानी लेखन, आपको 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देना है। ये जो कहानी है ये मुद्दों के आधार पे दी है, आपको उसे कहानी बनानी है। विज्ञापन लेखन, तो ये आपको क्या करना है, इन मुद्दों के आधार पर विज्ञापन करना है। निबंध लेखन, मेरा प्रिय त्योहार, मैं नदी बोल रही हूं, नदी समझकर आपको लिखना है। और विज्ञान के चमत्कार, किसी एक विषय पर, लेकिन परीक्षा के लिए तीनों विषय तैयार कीजिए। हो सकता है किसी एक विषय पर जरूर आपको वहां पे प्रश्न दिखेगा। ओके, तो इस प्रकार से कुल 80 अंक का ये पेपर है जिससे आपको जरूर फायदा होगा। ओके, और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां जाके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।